हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन में होने वाले ऐसे बदलाव के बारे में जिससे आप घर बैठे ही अपनी बेबी का जेंडर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपको मैं ऐसे कुछ लक्षण बताने वाली हूँ जो कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा था और बहुत सारी महिलाओं में भी देखा था ये लक्षण जब भी उनको बेबी बॉय हुआ था। अगर आप बेबी बॉय या बेबी गर्ल की पहले से प्लानिंग कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा वो लड़का या लड़की होने वाला है। तो चलिए हम बात लेते हैं हमारे सिम्टम्स के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो पेशाब यानी कि आपका जो यूरिन है उसमें इतने सारे हार्मोनल बदलाव हो जाता है, इतने सारे चेंजेस हो जाता है जिससे आप अपने बेबी का जेंडर इजीली आराम से प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहला सिम्टम के बारे में। सबसे पहला जो सिम्टम होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन का जो कलर होता है बहुत डार्क होना। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन का कलर बहुत डार्क हो रहा है तो ये बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। सही, अभी हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन का कलर डार्क क्यों होता है। अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं तो आपको यूरिन का कलर डार्क देखने को मिलेगा। सेकंड, अगर आप जो यूरिन है आपके हार्मोनल सिम्टम्स की वजह से, हार्मोनल के बदलाव की वजह से आपके शरीर में जो चेंजेस हो रहा है कई बार उसकी वजह से भी आपका जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो जाता है। थर्ड सिम्टम हम बात करेंगे, थर्ड जो सिम्टम है दोस्तों वो है प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन का रुक रुक के होना। बहुत सारी महिलाओं को यूरिन रुक रुक के होता है, बहुत सारी महिलाओं को देखने को मिलता है कि अगर आपका जो यूरिन है वो रुक रुक के हो रहा है तो बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि आपको लड़का होने वाला है। क्योंकि मेरे खुद प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत सारे लोग बोले थे कि आपको लड़का होने वाला है, क्योंकि मैंने अपना समस्या बताया हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे लड़का होने वाला है और कई हद तक उनका जो प्रिडिक्ट है वो सच भी हुआ था। थर्ड जो सिम्टम है, दोस्तों वो है प्रेगनेंसी का दौरान आपका यूरिन बार बार आना, यानी कि आप बार बार पेशाब जा रहे हैं तो आपको ये माना जाता है कि आपने लड़का कंसीव किया है। दोस्तों यहाँ पे आप बार बार पेशाब क्यों जाते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। पहला जो रहता है वो है आप प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो बेबी का जो आपका बच्चे का ग्रोथ है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो बच्चे का जो सर यानी कि आपका जो बच्चे का जो प्रेशर है आपके ब्लैडर के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको यूरिन बार बार होने का जो समस्या है देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो सिम्टम है वो लड़का होने का होता है। अपना जो आखिरी सिम्टम है दोस्तों वो है प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग का जो यूरिन रहता है वहाँ पर आपको बहुत सारी महिलाओं में मॉर्निंग का जो यूरिन का कलर रहता है हर दिन चेंज होता है। कभी बहुत सारी महिलाओं को डार्क देखने को मिलता है, कभी बहुत सारी महिलाओं को यूरिन का कलर नॉर्मल रहता है, बहुत सारी महिला को यूरिन का कलर नॉर्मल डार्क रहता है, बहुत नॉर्मल येलो रहता है, कभी हल्का रेडिस्ट हो जाता है। अगर इस तरह से आपका जो यूरिन का कलर है वो बदल रहा है तो ये दोस्तों माना जाता है लड़का होने का साइन है, क्योंकि लड़का होने पर आपके अक्सर ये सिम्टम देखने को मिलता है। जब भी आप लड़की का कंसीव करते हैं तो इसी वो सिचुएशन पर आपका जो यूरिन का कलर है वहाँ पर आपको कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मैं टेक केयर, गाइस लव यू, बाय।